गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई विल टीच यू मैथ्स. सो आर यू रेडी फॉर दिस? कम ऑन पेज नंबर 10. इन लास्ट वीडियो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 39. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 40. योर क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑन पेज नंबर 11. योर क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल डू इन वर्कशीट. Your worksheet is here. Addition. A. 65 rupees 85 paise and 19 rupees 20 paise. ये दो डिजिट आपको दे रखी हैं, इनको आपको ऐड करना है. आप एडिशन कैसे करेंगे? एक साइड आप लिखेंगे रुपीस, अदर साइड आप लिखेंगे पैसे. लाइक अब आप फर्स्ट ले रहे हैं तो 65 रुपीस, तो रुपीस में आ रहा है 65, तो 65 को आपको यहाँ नोट डाउन करना है. एंड पैसे वाले जो डिजिट है लाइक 85, उसको आपको इधर नोट डाउन करना है. सेम पैटर्न यहाँ होगा, 90 रुपीज़ 20 पैसे, तो 90 आपको इधर लिखना है और 20 आपको इधर लिखना है. सो नाउ यू विल ऐड 5 एंड 0 5, 8 एंड 2 बिकम्स 10. 10 का 0 आप यहाँ लिखेंगे एंड कैरी फॉरवर्ड हेयर. 5 एंड 1 6, 6 एंड 9 15, 15 5 हेयर and one carry here, 6 7 8. So your answer is 85 rupees 5 paise. इसी तरह से सेकेंड वाला होगा, यहाँ पे केजी और ग्राम में दे रखा है, तो आपको एक तरफ केजी लिखना है, एक तरफ ग्राम लिखना है. केजी में है 19 केजी, तो आपको 19 इधर लिखना है एंड 205 आपको अदर साइड में लिखना है. अब सेकेंड है केजी एंड ग्राम, तो 22 केजी, तो 22 आपको इस साइड लिखना है एंड 456 आपको इस तरफ लिखना है. 28 केजी एंड 630, तो 28 आपको इस तरफ लिखना है एंड 630 आपको इस तरफ लिखना है. और जैसे आपने ऊपर एडिशन किया था, यहाँ भी आपको इसी तरह से एडिशन करना है. तो जब आप ऐड करेंगे इसे, तो देन यू विल गेट 70 केजी 291 ग्राम. ओके, वी हैव डन एडिशन, नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन. इन सब्ट्रैक्शन सेम पैटर्न है, बस यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ आपको रुपीज़ और पैसे का दे रखा है, एक तरफ आपको रुपीज़ लिखना है, एक तरफ आपको पैसे लिखना है. जहाँ रुपीज़ दे रखा है उसको इधर, लाइक 17 रुपीज़ 95 पैसे फ्रॉम 26 रुपीज़ 10 पैसे, दिस इज़ सब्ट्रैक्शन. तो आपको ये देखना है कि जो बड़ी डिजिट होगी वो ऊपर आएगी और जो छोटी वाली डिजिट होगी वो नीचे आएगी, तभी हम उसे लेस कर पाएंगे. यहाँ हम देख रहे हैं 17 रुपीज़ है और इधर है 26 रुपीज़, तो 26 बड़ा होगा देन 26 आ जाएगा ऊपर. सबसे पहले हम ये वाली डिजिट लिखेंगे, तो 26 एंड 10, तो आप इधर लिखेंगे 26 एंड 10. देन अदर डिजिट इज 17 95, तो आप इधर लिखेंगे 17 एंड 95. देन सब्ट्रैक्शन आपको आते ही होंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, आपका आंसर आ जाएगा 8 रुपीज़ 15 पैसे. बी, ये सेकेंड एग्जाम्पल इज बी, 14 लीटर 325 मिलीलीटर फ्रॉम 16 लीटर. आपको 16 लीटर में से 14 लीटर 325 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो हाउ विल यू डू दिस? आप वन साइड लिखेंगे लीटर एंड अदर साइड लिखेंगे आप मिलीलीटर. अब आप यहाँ देखेंगे, इधर 14 है, इधर 16 है, तो ओनली यहाँ पे 16 लीटर लिखा हुआ है, मिलीलीटर एब्सेंट है. सो आपको क्या करना है, 16 को तो एज इट इज लिखना है, क्योंकि यहाँ मिली लीटर की कोई डिजिट नहीं दे रखी है, सो आप वहाँ ज़ीरो यूज़ कर लेंगे. देन 14 का 14 एंड 325 वो आपको यहाँ नीचे लिखना है, 325. देन उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 1 लीटर 675 मिली लीटर. सो योर आंसर इज 1 लीटर एंड 675 मिली लीटर. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 42. चूज़ द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, के जी, ग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है. इसमें आपको क्या करना है, यहाँ दे रखे होंगे कुछ, आपको ये बताना है कि आप इनको किस में, किस यूनिट में मेज़र करते हैं. लाइक वेट ऑफ अ बुक, एक बुक का जो वेट है वो आप के जी में भी कर सकते हैं और ग्राम में भी कर सकते हैं. देन वेट ऑफ अ सैक ऑफ फ्लावर, सैक ऑफ फ्लावर मतलब आटे का थैला, तो उसको आप किस में मेज़र कर सकते हैं, किलोग्राम में, क्योंकि वो हैवी होता है. डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड गोवा, जब आप डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस जो होती है वो सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में होती है, बट
मुंबई टू गोवा बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, जब बहुत ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस होती है तो वी यूज़ किलोमीटर। हाइट ऑफ अ ट्री, मतलब एक ट्री कितना लंबा है, तो लंबाई यानी लेंथ नापने के लिए वी यूज़ मीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ अ ट्री सो वी यूज़ मीटर। लेंथ ऑफ अ रेस ट्रैक, रेस ट्रैक आप सबने देखा होगा, मीटर में हम इसे नहीं देख सकते तो वी यूज़ किलोमीटर। लेंथ ऑफ अ स्ट्रोक, स्ट्रोक को हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। नेसल ड्रॉप ऑफ अ बोतल, ड्रॉप मतलब बूंद, तो बूंद को हम मिलीलीटर में ही मेज़र करेंगे। ऑयल इन एन ऑयल टैंकर, एक टैंकर में ऑयल भरा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा तो वी यूज़ लीटर, और जब थोड़ा सा होता वी यूज़ मिलीलीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्लॉक, क्लॉक यू हैव डन इन अर्लियर क्लासेस सो आई विल रिवाइज यू अगेन। लुक एट दिस क्लॉक, आपको यहाँ देखना है कि क्लॉक में जो हैंड, मिनट हैंड एंड हावर हैंड, आपको ये देखना है कि मिनट हैंड और हावर हैंड किस पे है। लाइक इन फर्स्ट आप देखेंगे मिनट हैंड इज ऑन 9 एंड हावर हैंड इज ऑन बिटवीन 8 एंड 9, मतलब जो मिनट हैंड है वो तो 9 पे है और जो हावर हैंड है वो 8 और 9 के बीच में है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी इन थर्ड क्लास कि जब आप टाइम देखते हैं तो आपको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके देखना होता है। लाइक 1 पे हो तो 5 मिनट, 10 पे हो 2 पे हो तो 10 मिनट, 3 पे हो तो 15 मिनट, इस तरह से आपको 5 की टेबल बोलकर और टाइम देखना होता है। अब लाइक यहाँ पे 9 है तो 5 9 45, और 8 और 9 के बीच में है तो आप 8 लिखेंगे तो 8:45, तो यहाँ टाइम हो गया 8:45। एंड सेकेंड आप देखेंगे जो मिनट हैंड है वो 3 पे है और जो हावर हैंड है वो 5 और 6 के बीच में है, यानी बिटवीन 5 एंड 6, तो यहाँ 5 तो आगे लिखेंगे और 3 पे है तो 5 3 15, तो आप यहाँ 15 लिख सकते हैं, और आप इसे क्वार्टर पास 5 भी कर सकते हैं। नाउ सी, आप देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में है हावर हैंड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 6 पे है, दिस इज़ हाफ पास्ट, तो आप यहाँ पे अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5 की टेबल से मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं तो अपन को यहाँ मिनट मिलते हैं, तो 2:30। इसी तरह से सेम होंगे, कम ऑन नेक्स्ट पेज, डू इन बुक, ये भी आपको बुक में ही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ए, द मंथ विच हैज़ नाइदर 30 नॉर 31 डेज, ऐसा मंथ आपको लिखना है जिसमें ना तो 30 डेज होते हैं ना 31 डेज होते हैं, वो कौन सा है, फेबररी, क्योंकि आपको पता है कि फेबररी में या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29, सो आप यहाँ पे फेबररी लिखेंगे। टू कॉन्जिक्यूटिव मंथ विच हैव 31 डेज ईच, आपको टू मंथ ऐसे लिखने हैं जिनमें 31 डेज आते हों बिना गैप के, तो जुलाई और अगस्त हैं वो, जुलाई और अगस्त कॉन्जिक्यूटिव हैं क्योंकि वो एक साथ आते हैं, और जुलाई में भी 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं। द मंथ ऑफ द ईयर विच हैव 30 डेज ईच आर, अपन को ऐसे मंथ के यहाँ नेम लिखने हैं जिनमें ओनली 30 डेज होते हैं, लाइक अप्रैल, जून, सेप्टेम्बर एंड नवम्बर। एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़, एक ऑर्डिनरी मतलब साधारण जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, बट जब एक लीप ईयर होता है देन उसमें एक डे ऐड हो जाता है एंड देन बिकम 366। देयर आर 10 ईयर्स इन अ डिकेड, मतलब एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, डिकेड यानी दशक। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, दिस इज ट्रू, क्योंकि एक लाइन को अपन दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। रे ए बी इज द सेम रेज बी ए, जो ए बी जो रे होती है वो बी ए की जैसा सेम नहीं हो सकती, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ए रे हैज़ ए डेफिनाइट लेंथ, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि हम रे को एक तरफ से एक साइड से इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। एवरी स्क्वायर इज़ ए रेक्टेंगल, और हर स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ए क्यूबॉइड हैज़ 6 एंड 8 वर्टेक्स, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि एक क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स होती हैं, पर 8 जो होती हैं वो 12 होते हैं, सो दिस इज फॉल्स। ए सिलेंडर हैज़ 2 एज एंड 2 वर्टेक्स, तो सिलेंडर में वर्टेक्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया है। ए कॉन हैंड इज पेयर हैव ओनली 1 एज, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, इसलिए है क्योंकि इस पेयर में
एज होती ही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया है. ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वेयर. आप देखेंगे क्यूब की स्ट्रक्चर, आप देखेंगे कि उसकी उसका हर जो फेस होता है वो स्क्वेयर दिखता है, तो दिस इज ओनली ट्रू. इन थर्ड क्लास यू हैव रीड दिस ऑल सॉलिड्स एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच स्ट्रक्चर वर्टेक्स फेसेस एंड एज. उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने इसे फिल किया है, आपको अपनी बुक में इसे फिल करना है. सो योर चैप्टर 1 इन मैथ्स कंप्लीट टुडे. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू चैप्टर 2 रोमन नंबर. सो लेट्स वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.